0.7 सेक्शन, ये दो जो थिकनेस है ये पैड की और रोटर के दरमियान की क्लीयरेंस है। ये कैलिपर का एक्सप्लोडेड व्यू दिखाया हुआ है, जब कैलिपर को खोलते हैं तो उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, ये सब बोस के पार्ट्स हैं। इसकी किट है, इसकी किट मार्केट से नहीं मिलती, अगर आपको ये ओवरऑल करना पड़े उसका तरीका क्या हमारे पास है वो मैं आपको बताता हूँ, इसकी पूरी वीडियो है हमारे पास कैसे इसको आपने ओवरऑल करना है, लेकिन ये उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास ये पूरी इसकी किट अवेलेबल हो मार्केट। अच्छा, जो उसकी थिकनेस है, थिकनेस जो है वो हमें उसको रेगुलर चेक करना चाहिए, क्योंकि होता ये है कि उसकी जो थिकनेस है वो उसके ऊपर हमने पैड या इंडिकेटर लगाया हुआ है। मैकेनिकली भी कुछ कैलिपर ऐसे हैं जिसमें मैकेनिकल इंडिकेटर लगे होते हैं, कुछ कैलिपर ऐसे हैं जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रॉनिक पैड या इंडिकेटर लगाए होते हैं, लेकिन बात का होता ये है कि वो इलेक्ट्रॉनिक जो पैड या इंडिकेटर है वो या तो ख़राब हो जाता है या फिर हमारे मैकेनिक हजरात उसको काम करते करते तोड़ देते हैं उसको, जब तोड़ देते हैं तो फिर उसमें यू डाल के उसको डायरेक्ट कर देते हैं, तो वो कभी भी आपको इंडिकेशन नहीं देता मीटर के ऊपर। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप रेगुलरली जो है ना उसको चेक करते रहें। वैसे हमारी जो यूटंग बस है उसमें पैड भी इंडिकेटर लगाए हुए हैं हमने, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वो, जैसे ही वो पैड जो है वो वेयर एंड टियर उसकी हो जाती है, वो अपना मैक्सिमम वीयर पर चला जाता है, मैक्सिमम उसकी रेंज आ जाती है, तो उस टाइम पे वो ड्राइवर के जो अपने इंस्ट्रूमेंट पैनल है वहाँ पे एक लाइट शो कर देता है पैड गियर इंडिकेटर की, और साथ उस पर लिखा हुआ भी आता है कि लेफ्ट साइड का पैड गियर इंडिकेटर अपना पैड गियर हो गया है या राइट साइड का पैड गियर हो चुका है। ये नहीं बताता कि लेफ्ट का फ्रंट हुआ है या रियर का हुआ है, लेकिन वो ये बताता है कि लेफ्ट साइड का हो गया या राइट साइड का हो गया। उसके लिए फिर आपने दोनों जो उसके व्हील्स हैं, राइट साइड के दोनों व्हील्स या लेफ्ट साइड के दोनों व्हील, उनको खोल के फिर खुद चेक करना होता है कि कौन सा पैड है वो गियर। अच्छा, डिस्क पैड जो वियर है उसके मुख्तलिफ पैटर्न है। डिस्क पैड कैसे वियर हो तो वो एक्सेप्टेबल है, अगर डिस्क पैड की जो मेन सरफेस है ये खराब हो गई है तो फिर ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, ये नहीं हम उसको इंस्टॉल करेंगे कभी, इसको बाहर निकालते हैं। इस तरह की अगर वियर हुई है, अगर इसके किनारों पे अगर कोई थोड़ी सी हो गई है वियर एंड टियर तो वो खैर है, वो चल जाएगा, लेकिन अगर इस तरह की वियर एंड टियर हो गई है, ये सेंटर उसका फेस खराब हो गया तो फिर वो कभी भी नहीं चलेगा। इस पैड के साथ एक तो जो है वो उसको क्लैंप नहीं करेगा सही तरीके से, जो डिस्क है रोटर उसको नहीं सही तरीके से पकड़ेगा, जब उसको सही तरीके से नहीं पकड़ेगा तो ब्रेक वहां से नहीं लगेगी। ये वाला जो पैटर्न है ये एक्सेप्टेबल है हमारे लिए, अगर पैड इस तरीके से वियर होता है तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किनारे थोड़े थोड़े खराब है तो वो भी चल जाएंगे। अब सवाल पैदा होता है कि इसकी थिकनेस होनी कितनी चाहिए, कितना पैड जो है वो इसको चलना चाहिए। अब ये देखें, ये जो है ये पूरा ये डिस्क पैड दिखाया हुआ, डिस्क पैड के दो हिस्से होते हैं, एक उसकी बैक प्लेट होती है और आगे उसके ऊपर जो फ्रिक्शन मटेरियल है वो होता है, ये वो दिखाया हुआ, ये इसकी बैक प्लेट है और ये आगे फ्रिक्शन मटेरियल है। ये जो AO बता रहे हैं ये कह रहा है ये टोटल लेंथ है उसकी डिस्क पैड की, प्लेट और रोटर समेत उसके डिस्क समेत। अब वो कहते हैं जी बैक प्लेट जो है वो, ये वाली जो बैक प्लेट है ये कितनी होती है, ये तकरीबन होती है 7 mm की, कुछ मॉडल है उसमें 7 mm की है, कुछ मॉडल है उसमें 9 mm की है। हमारी जो ये बैक प्लेट है ये 9 mm की, उसकी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम थिकनेस कितनी रह जानी चाहिए, यानी कहते हैं 2 mm अगर रह गया है ना आपका जो फ्रिक्शन मटेरियल है 2 mm पे अगर आ गया तो फिर आप उसको फौरन चेंज कर दें। अब 2 mm आप नाप तो नहीं सकते वहां पे क्योंकि पीछे प्लेट भी लगी हुई है, आगे वो फ्रिक्शन मटेरियल भी है, इसलिए हम फिर इसको इकट्ठा ले लेते हैं कि 7 mm 9 mm की प्लेट और 2 mm आगे रह गया, ये 11 mm टोटल इसकी थिकनेस रह गई है तो आपने इसको चेंज कर दें। 11 mm की जब थिकनेस रह गई है तो इसको चेंज कर दें।
अगर इस कंडीशन में भी आप इसको चेंज नहीं करते और ये फ्रिक्शन मटेरियल बिल्कुल खत्म हो जाता है तो उसका नुकसान ऐसा होता है, ये जो प्लेट है ना, ये प्लेट गिर जाती है चलते चलते, बाहर निकल आती है। जब ये प्लेट बाहर आ जाएगी तो फिर वो जो पिस्टन है वो पिस्टन को जगह मिल जाती है, वो पिस्टन आगे और ज्यादा चल आगे चले जाते हैं, वो पिस्टन भी बाहर आ जाते हैं और कैलिपर जो है वो पूरा तबाह हो जाता है। इस तरह एक मामला हुआ भी था, लवान कोच की गाड़ी थी, उसका जो है वो कैलिपर इस तरह डिस्क अपना कैलिपर खत्म हुआ है, ये अपना डिस्क प्लेट है, फ्रिक्शन मटेरियल खत्म हुआ है। खत्म होने के बाद जो है वो उसकी प्लेट जो है वो गिर गई है, गिरने के बाद वो पिस्टन जो थे उनको स्पेस में लिए और पिस्टन बाहर आ गए हैं, पिस्टन बाहर आने से कैलिपर पूरा जो है वो खत्म हो गया। इसलिए इसको चेक करना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम अगली बात करते हैं जो रोटर डिस्क है हमारा। ये रोटर डिस्क जो है अगर आप इसको गौर से देखें, इसके सेंटर में स्लॉट्स बनी हुई होती हैं, खाली जगह होती है, उनका क्या फंक्शन है? वो इसकी कूलिंग के लिए होती है, और रिब्स जो सेंटर में बनी हुई होती है। कूलिंग इसकी क्यों जरूरी है? क्योंकि जैसे जैसे ये गर्म होती है, गर्म होने से इसकी जो है वो, जब कोई भी चीज़ गर्म होती है ना, उसके बाद अगर उसके ऊपर पानी पड़ जाए तो वो क्रैक हो जाती है, डिफॉर्मेशन आ जाती है, उसमें रैपेज आ जाती है, टेढ़ापन आ जाता है। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है, क्योंकि ब्रेक बार बार लगनी है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होना है, तो उसकी फिर कूलिंग की भी ज़रूरत होती है। इसलिए हमने उसमें रिब्स बनाई होती हैं, और रिब्स इस तरह बनाई होती हैं कि जैसे ही वो गाड़ी चल रही है तो वो हवा को जो है वो एक साइड से इन करे और यहाँ से आउट कर दे, जिस तरह हम रोटर उसमें करते हैं रिटार्डर, उसी तरह का सेम फंक्शन ये है इसका। इसकी जो टोटल, जो नया रोटर होता है ना, उसकी टोटल थिकनेस होती है 45 mm। अब कुछ ऐसा गुजरता है, गाड़ी चलती है, उसके बाद जो है वो पैड खत्म हो जाते हैं, उसकी वेयर एंड टियर हो जाती है, आप नए उसकी डिस्क पैड इंस्टॉल करते हैं, इसको टूल लगवा लेते हैं, इसकी थिकनेस और कम हो जाती है थोड़ी सी। तो वो थिकनेस कितनी होनी चाहिए? वो थिकनेस है कि वार्म आउट कंडीशन में अगर 37 पे आ जाए तो इसका मतलब है कि आपने डिस्क को चेंज कर दें। अगर ये रोटर है, इसकी टोटल थिकनेस 45 है, अगर वो 37 पे आ गई है तो आपने इसको चेंज कर दें हर सूरत में। और ये इसको टूल लगवाने का क्या तरीकाकार होता है कि आप लोग लगवाते हैं इसको टूल? अभी तक नहीं लगवाया। अच्छा, इसके ऊपर ना जब बहुत ज़्यादा वेयरिंग के मार्क्स आ जाएं, निशान पड़ जाएं, या उसके ऊपर मतलब निशान भी होता है ज़्यादा, ग्रूव बन जाते हैं इसके अंदर, वो ग्रूव क्यों बन जाते हैं? ग्रूव इसलिए बन जाते हैं क्योंकि मार्केट में ना डिस्क पैड जो अवेलेबल है ना, वो डिस्क पैड अवेलेबल हैं मुख्तलिफ कंपनियों के, मुख्तलिफ मॉडल्स के, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, मुख्तलिफ अप्लाई करते हैं या ये डिस्क पैड जो है ये रोटर के साथ जब टच करता है तो इसका अमूमन ये पीछे सिनेरियो ये होता है, यानी कि इसका मेन फंक्शन ये होता है कि ये ब्रेक लगाए और ये मटेरियल इससे हार्ड ना हो और ये घिसे, ये घिसेगा तो वो उसको बचाएगा ना, वरना अगर ये हार्ड है उससे भी हार्ड है तो फिर वो डिस्क उड़ाना शुरू कर देगा, ऐसे ही होता है ना, डिस्क उड़ाना शुरू कर देगा। जो मार्केट में डिस्क पैड अवेलेबल होते हैं ना, उनका ये फ्रिक्शन मटेरियल है वो इतना अच्छा नहीं होता, वो हार्ड होता है बहुत। जब वो हार्ड होता है और इसके साथ जब हम वो उसको ब्रेक अप्लाई करवाते हैं तो वो इसके ऊपर निशान डाल देते हैं, निशान डाल के इसको उड़ा देता है, ग्रूव बना देता है, और ब्रेक भी कमजोर होती है। पहाड़ी इलाकों में कहते हैं ब्रेक का इस्तेमाल ना करें, कम करें, क्यों कहते हैं, क्या वजह? व्हील गर्म हो जाती है, ब्रेक नहीं लगती। तो क्यों ब्रेक नहीं लगती? व्हील गर्म हो जाती है, अक्सर पैड हार्ड हो जाते हैं ना, तो हम ब्रेक पे रखते हैं इसलिए गर्म हो जाता है। गर्म में जाए तो गर्म होने से क्या होता है? पैड हार्ड हो जाते हैं,
जब आप इसको ये अपना पहाड़ी इलाके में उसको ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो होगा क्या, एक तो इसकी हीट जनरेट होगी बहुत ज्यादा, जब वो हीट जनरेट होगी तो इसकी जो बाहर वाली सरफेस है ना वो काफी ज्यादा हार्ड हो जाएगी, हार्ड इस तरह हो जाएगी कि उसको ग्लेज्ड हो जाएगी, शीशे की तरह ग्लेज्ड हो जाती है, चमकदार हो जाती है, तो वो ग्लेज जो हो जाती है वो जब इसके साथ फिर आके जब अपना उसका इन कॉन्टेक्ट आती है आपस में इससे टकराती है या फ्रिक्शन, तो उसके अंदर कोई भी ना वो नहीं बनती, पकड़ नहीं बनती उसकी। उसकी सरफेस हार्ड होने की वजह से वो ब्रेक नहीं लगती, स्लिप करेगा वो, स्लिप करता है, स्लिप क्या करता है बल्कि वो उसमें से इसमें ग्रूव डालना शुरू कर देता है, निशान डालना, हाँ, क्योंकि वो मटेरियल बहुत हार्ड हो गया। छोटी गाड़ियों में बड़ी गाड़ी में कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसे करना तो चाहिए बल्कि करना चाहिए इनको, मैंने नहीं देखा किसी को भी करते हुए, ब्रेक सर्विस नहीं हम करते हैं, एक दफा पैड डाल दिए और पैड उसी टाइम निकाल लिया जब वो खत्म होने हैं और नए डाल लिए, इस तरह अलग होना नहीं चाहिए, हमें करना चाहिए कि हम इसको 20,000-25,000 रुपये खोलें, उसको रेगमार से उसकी जो सरफेस है उसको डीग्लेजिंग करें, उसे साफ करें, ऊपर वाला जो मटेरियल हार्ड हो गया उसको उतारें और पैड दोबारा लगाएं, इस तरीके से होना चाहिए। ये चीज़ अब आपको समझ आ गई, इसकी टोटल लेंथ जो थिकनेस है वो है 45-45 mm, और ये जब टूल लगाते लगाते इसकी लेंथ 37 पे आ जाएगी तब आपने इसको चेंज कर देना, 37 के आगे ये खतरनाक है। तो ये 45 mm इसकी किस चीज़ की थिकनेस है, तो एक दिन इसका डिफरेंस इज लेस देन इक्वल टू 39, इट इज बेंडेड टू, वो 39 में मार्जिन बता रहे हैं ना कि आप उसको टूल लगा सकते हैं, लेकिन 37 mm पे जब आ जाए ना तब आपने उसको चेंज, 40 पे टूल लगा सकते हैं, 37 पे फर्क, 37 पे मिनिमम उसकी आ गई है, इससे ऊपर नीचे नहीं जाए। डिस्क के जो पैटर्न क्या है, अब आपने देखा होगा कि डिस्क जो है जब गाड़ी चलने के बाद कुछ देर के बाद उसके ऊपर मुख्तलिफ तरह के निशान आ जाते हैं रोटर के ऊपर, वो निशानों का जो है वो किस तरीके से आपने उसको देखना है और क्या करना है ये उसके बारे में। सबसे पहले जो A1 जो निशान ये वाले इस तरह का जो निशान ये वाले, ये निशान जो है वो एक्सेप्टेबल है, ये कोई मसला नहीं है, ये चलेंगे निशान। उसके बाद आ जाते हैं B1 है क्रैक, B1 क्या है क्रैक है, ये देखिए ये B1 क्रैक, इसकी क्रैक जो है अगर क्रैक हुआ गया तो मैक्सिमम उसकी जो मोटाई है वो 1.5 mm से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, ये वाली मैक्सिमम जो मोटाई है वो 1.5 mm से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए वो इंजीनियर्स इसको समझ लेंगे, ये मैक्सिमम 0.75 मल्टीप्लाई बाय इसका जो थिकनेस है उससे करके हम निकालते हैं। ये वाला क्रैक हम एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी सूरत में, जो एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक हो, एक एंड से लेके दूसरे एंड तक, ये वाला जो क्रैक है ना ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपकी एक साइड जो है वो पूरी क्रैक हो चुकी है, रोटर डिस्क की दो साइड्स होती है ना, एक राइट एक लेफ्ट, सेंटर में उसकी वेंटिलेशन है, तो जो एक साइड की डिस्क है वो पूरी क्रैक हो चुकी है, देखिए नीचे भी क्रैक नजर आ रहा है, ये डिस्क किसी भी टाइम चलते चलते टूट जाएगी। पैड गियर इंडिकेटर, वो मैं आपको पैड गियर इंडिकेटर के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, पैड गियर इंडिकेटर जो है वो मैकेनिकल भी आते हैं और इलेक्ट्रॉनिक भी आते हैं, ये मैकेनिकल पैड गियर इंडिकेटर के बारे में बताया हुआ है, कुछ मॉडल ऐसे भी हैं जिसमें ये एक जो है वो गाइड पिन जो होती है वो बाहर आई होती है, इसका मतलब है कि पैड अभी काफ़ी हद तक ठीक है, जैसे जैसे गाड़ी चलती है वक्त के साथ साथ पैड गियर इंडिकेटर होती है घिसते हैं तो ये जो पिन है ये अंदर चली जाती है, अगर ये 1 mm रह जाए तो इसका मतलब है कि पैड खोल के चेक करें उसको चेंज करें। इसी तरह कुछ जो है वो ऐसे मॉडल आते हैं जिसमें हम उसकी बॉडी और एक ऊपर निशान होता है उससे असेसमेंट करते हैं
कि गाड़ी कितना पैड उसका घिस चुका है, वहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि अगर ये इतना गैप ज़्यादा हो गया तो पैड जो है वो खत्म हो, उससे हम अंदाजा लगाते हैं। पैड वियर इंडिकेटर, ये पैड वियर इंडिकेटर है, ये हर व्हील में लगे हुए हैं हमारी बसेस में, ये नॉर्मल कंडीशन में जो है वो आपस में क्लोज होते हैं, इनके कॉन्टेक्ट पॉइंट नॉर्मल कंडीशन में क्लोज होते हैं। क्लोज से मुराद क्या है कि हम इसको अर्थ दे देते हैं परमानेंट, यानी कि राइट साइड के जो हैं पैड एक अर्थ उठाएंगे, पिछले व्हील में जाएगा, इन पैडों से होगा आपस में ये पॉइंट मिले हुए हैं, वहाँ से होके अगले व्हील में चला जाएगा, और अगले व्हील के पॉइंट मिले हुए हैं वहाँ से होके मीटर में चला जाएगा। अब अगर लेफ्ट साइड पे कोई भी व्हील जो है फ्रंट वाला या रियर वाला उसका पैड खत्म होता है तो उसका अर्थ खत्म हो जाएगा, ओपन हो जाएंगे कॉन्टैक्ट पॉइंट, जैसे ही ओपन हो गए मीटर में वो अर्थ से आना बंद होगा, वो उसको लाइट ऑन कर देगा और साथ बताएगा लिखा हुआ है लेफ्ट साइड का पैड रियर हो गया, लेकिन ये नहीं बताएगा कि कौन से हो गए, फ्रंट वाला हुआ है कि रियर वाला हुआ है, वो आपने उसको फिर दोनों व्हील खोल के चेक करना है। एडजस्टर को चेक करने का क्या तरीका कार होता है, हम कैसे एडजस्टर को चेक करते हैं, एडजस्टर चेक करने के लिए जरूरी है सबसे पहले आपने जो है ना उसका रिटेनर निकालना है। रिटेनर कौन सा होता है, ये वाला रिटेनर है। रिटेनर निकालने के बाद जो है वो कैलिपर को जो है वो हम उसकी प्लेट चेक करते हैं कि उसमें प्ले है कि नहीं, कैलिपर जाम तो नहीं हुआ। बस का होता है कि हाथ से हम उसको नहीं हिला पाते, फिर हम जो पेचकस लेके उसको हिला के चेक, थोड़ा सा हिला के उसकी प्ले चेक कर लेते हैं कि हाँ प्ले ठीक है। उसके बाद हम अगर वो जिस तरह मैंने आपको बताया है कि अगर हम उसको जो है वो नहीं अगर हिल रहा तो हम इसके थ्रू उसको थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे तो वो अगर उसकी पिनें जाम नहीं है तो वो कैलिपर अपनी जगह से हिल जाएगा और पता चल जाएगा कि वो ठीक काम कर रहे हैं। ये फिर हम फिलर गेज इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह मैंने आपको उसमें वीडियो में भी दिखाया है, इसकी जो है वो 0.6 से 1.1 mm तक है। इसका पिस्टन है, पिस्टन और डिस्क पैड के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 0.6 से लेके 0.1 mm तक होना चाहिए। अगर ये डिस्टेंस कम है, 0.5 है या 0.2 है, इसका मतलब है कि वो प्रॉपर जो है वो डिस्क पैड इसको रोटर को रिलीज नहीं कर रहे, ये व्हील गर्म होगा। अगर ये डिस्टेंस 1.1 mm से ज़्यादा है, 2 mm है, इसका मतलब ये है कि वो एडजस्टर सही काम नहीं कर रहा, एडजस्टर उसको एडजस्ट ही नहीं कर रहा, तब भी ब्रेक जो है वो सही काम नहीं करेगी। अब आपने एडजस्टर कैसे चेक करना है, ये जब आप इसका कवर उतारते हैं ना ऊपर से, ये कवर है, ये कवर दिया हुआ, कवर के अंदर एक शीयर डॉक्टर होता है, डॉक्टर दिया होता है, कोई देखा है डॉक्टर किसी ने, आठ नंबर डॉक्टर दिया होता है, डॉक्टर उधर आप लोगों ने बम भी किए कर दिए होंगे ड्राइवर ने कुछ क्या नहीं, ये ही है ड्राइवर बस है ये शीयर डॉक्टर होता है ना, इसकी एक खास ये ताकत बर्दाश्त कर सकता है, ये खास फोर्स ये बर्दाश्त कर सकता है, उस फोर्स से ज्यादा ये बर्दाश्त नहीं करता, ये टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है।
ये जो एडजस्टर है ना, इसी तरह ये एडजस्टर की एक खास हद तक की ताकत बर्दाश्त कर सकता है, उससे ज्यादा जोर लगाएंगे और वो जाम है तो वो एडजस्टर अंदर फ्री हो जाएगा। ये उसके लिए ये डॉक्टर दिया हुआ है कि आपने इस अडॉप्टर के थ्रू ही इस पे जोर लगाना है। आप एक दफा अडॉप्टर से जो उसको पहली दफा जब आप इस पे काम कर रहे हैं, आप इसे लूज कर रहे हैं, टाइट कर रहे हैं, नहीं हिला, अडॉप्टर टूट गया, आप अगली दफा तो नया अडॉप्टर इस पे लगाएं, नया अडॉप्टर लगाते हैं वो भी टूट जाता है, तो इसका मतलब है कि आपके एडजस्टर में कोई प्रॉब्लम है, फिर आपने उसको हल करना। और अमूमन ये मसला आता है जब ये कैप ऊपर प्रॉपर ना लगाओ, ये कैप गिर गया हो, यहाँ से इसके अंदर पानी भी जाता है, यहाँ से इसके अंदर मिट्टी भी जाती है, ये कैप बहुत जरूरी है। अगर ये कैप नहीं इंस्टॉल हुआ होगा तो ये कैलिपर बहुत जल्दी फेल हो जाएगा। अब इसको एडजस्टर को कैसे चेक करने का तरीका होता है, ये एडजस्टर जो है वो इसको आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है कि एक क्लॉकवाइज होता है कि जिस तरह घड़ी चल रही है जिस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज उसके मुखालिफ डायरेक्शन। कितना आपने इसको घुमाना है, आपने इसको तीन जो है क्लिक लूज कर देना, टिक टिक टिक, तीन तीन क्लिक इसको लूज कर देना, और हमेशा जो है इसको शियर डॉक्टर के साथ ही करना है, उसके डायरेक्ट नहीं करना, वरना वो आपका जो एडजस्टर है वो खराब होने के चांसेस हो जाएंगे। उसके बाद ये जो स्पैनर है इसको यहाँ ही लगे रहने दें इसी जगह। जब ये स्पैनर यहाँ पे लगा हुआ होगा, अब आपने जो है वो ब्रेक को 5 से 10 दफा ब्रेक दबानी है। जब आप 5 से 10 दफा ब्रेक दबाएंगे आप देखेंगे कि ये आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट होता जाएगा। अगर ये एडजस्ट नहीं होगा तो ये पहले आगे जाएगा फिर वापस आ जाएगा, फिर आगे जाएगा वापस जाएगा, ये अपनी जगह पे रहेगा, इसका मतलब ये है कि एडजस्टर सही काम नहीं कर रहा, ये स्लो कर रहा है। ये एडजस्टर चेक करने का तरीका क्या होगा, तीन क्लिक उसको लूज किया, तीन क्लिक लूज करने के बाद 10-15 दफा ब्रेक पेडल दबाया, ये आपने जो स्पैनर है उसको इसी जगह लगे रहने देना है, वो स्पैनर खुद ही आगे टिक टिक करके आगे एडजस्ट हो जाता है। यहाँ तक किसी को कुछ क्वेश्चन? सर ये जो ब्रेक दबाकर एडजस्ट कर सकते हैं ऐसे? यानी ऐसे ही करना, जिस तरह नए डिस्क पैड डाल दिए हैं पहले तो उसको लूज किया होगा, लादी बात है लूज करने के बाद नए डिस्क पैड डाल दिए हैं उसको एडजस्ट करें या ऑटोमेटिकली पंप के थ्रू करें? उसको आप उसका तरीका अगर अभी आगे आएगा बताऊंगा मैं, क्योंकि अभी यहाँ ही बता देता हूँ। उसमें इस तरह होता है कि आपने इसके एडजस्टर को ना पूरा साथ में ला देना होता है, पहले राइट साइड पे घुमाते जाएंगे वो टाइट हो जाएगा, वो जब टाइट हो जाएगा यानी कि डिस्क पैड जो है रोटर के साथ जाके टच कर देगा, वो आगे मूवमेंट उसकी ख़त्म हो जाएगी। उसको फिर तीन क्लिक लूज़ करना होता है, 1, 2, 3 तीन क्लिक लूज़ किया सारे व्हील, इस तरह तीन क्लिक लूज़ करके फिर 15-20 दफ़ा गाड़ी के पैडल मारने होते हैं। जब 15-20 का पैडल मारेंगे वो खुद ही ब्रेक एडजस्टर जो है ना उसके क्लियरेंस के हिसाब से उसको एडजस्ट करते हैं। मैंने खुद से एडजस्ट नहीं, खुद से नहीं करना है, ब्रेक दबाएंगे तो फिर तो काम नहीं करेगा ना, एडजस्टर फिर घूमेगा ही ना आगे पीछे। नहीं नहीं नहीं, ये वो कह रहे हैं डिस्क पैड नहीं डालने, नहीं डालने के बाद हम उसको एडजस्ट करना चाह रहे हैं। एडजस्ट करने का तरीका ये है कि आपने उसको साथ में ला दिया एडजस्टर को, पहले डिस्क पैड उसके साथ जाके लग गए, आगे डिस्क पैड वो जो एडजस्टर है वो आगे मूव नहीं कर रहा, क्लॉकवाइज जब उसको घुमाएंगे तो पूरा साथ मिल जाएगा। उसके बाद तीन दंदे लूज कर देना है, तीन टिक, 1, 2 और 3 तीन टिक जब आपने उसको लूज किया, लूज करने के बाद फिर 15-20 दफा ब्रेक पेडल दबाना है तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली जो जितनी क्लियरेंस चाहिए होगी वो खुद एडजस्ट कर, खुद ही एडजस्ट हो जाएगी, खुद ही एडजस्ट हो जाएगी। जहाँ पे स्लैब एडजस्टर होता है उसमें भी इसी तरह ही होता है, जो अपना ड्रम ब्रेक्स है उसको हम आधा चक्कर लूज कर देते हैं, पहले साथ में ला देते हैं उसके बाद आधा चक्कर लूज कर देते हैं। पूरा साथ में ला दिया, लाने के बाद जो है वो उसको आधा चक्कर लूज कर दिए, हाफ राउंड, जैसे ही हाफ राउंड लूज करेंगे तो वो उसके बाद फिर 15-20 दफा 25 दफा पैडल आप दबाएंगे और छोड़ेंगे तो वो खुद ही एडजस्ट कर लेगा।
इस तरीके से उसको एडजस्ट करना। ये क्लियर है, ये समझ आ गया कि एडजस्टर को कैसे आपने चेक कर रहे हैं। फिर उसके बाद इसको जब इंस्टॉल करने का तरीका कर किया है कि आपने जो है ना थोड़ी सी इस पर ग्रीस लगानी है, इसको एक कैप खोल के वो जो एडजस्टिंग नट है अंदर जो है उसको थोड़ी सी ग्रीस लगानी है। ग्रीस लगाने के बाद जो है ये वाला जो 37 नंबर है ये आपने उसके ऊपर ये जो प्लग है डस्ट प्लग जो है ये लाजमी फिट करना है। अगर जिस गाड़ी का डस्ट प्लग मिसिंग है उस गाड़ी का डिस्क जो कैलिपर है ब्रेक कैलिपर वो बड़ी जल्दी फेल होगा, क्योंकि मिट्टी और पानी जो है वो यहाँ से इसमें पेनिट्रेट करके अंदर चला जाएगा और जैसे ही वो पेनिट्रेट करके अंदर जाएगा वो सारे सिस्टम को खराब कर देगा। ब्रेक पैड चेंज करने का क्या तरीका कार है? ब्रेक पैड चेंज करने का तरीका कार ये है कि सबसे पहले आपने उसको गाड़ी को कर देना है हैंड ब्रेक उसकी रिलीज कर देनी है। रिलीज करने के बाद जो है सबसे पहले जो है वो व्हील रिमूव हो गया, वो हैंड ब्रेक रिलीज कर दी। रिलीज करने के बाद जो है यहाँ से हमने ये जो उसका रिटेनर है ये रिटेनर खोला। रिटेनर खोलने के लिए यहाँ पे सी गाइड पिन दी हुई है, गाइड पिन के ऊपर लॉक है, ये लॉक नट निकाला, उसके ऊपर गाइड पिन निकाली और यहाँ से ये रिटेनर बाहर आ जाएगा। रिटेनर खोलने के बाद इसको लूज करना है आपने, उसी शीयर अडाप्टर के जरिए इसको लूज करना है ताकि वो जो उसके पिस्टन है वो पीछे चले जाए। इसको आहिस्ता से लूज करेंगे, लूज करने के बाद जैसे ही आप देखेंगे जी पिस्टन उसके वो फ्री हो गए हैं डिस्क पैड, तो फिर आप उसको डिस्क पैड को ये आप पेचकस से थोड़ा सा उसको हिला भी सकते हैं, हिलाने के बाद आप इसको यहाँ से बाहर निकाल लें, ये डिस्क पैड यहाँ से बाहर आ रहा, बाहर आने के बाद ये फ्री होंगे यहाँ पे। जैसे ही बाहर आएंगे ना आप कैलिपर को अब हिला के आसानी से देख सकते हैं कि इसकी पिन वगैरह जाम तो नहीं है, यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि इसकी पिन स्क्वायर ठीक है। ये जो पैड्स वगैरह चेंज करने होते हैं ना ये इसके लिए जरूरी है कि अगर आप फ्रंट के एक व्हील के पैड नहीं सिर्फ चेंज करने हैं। अस्सलाम वालेकुम, शुक्र है लगा आपने ठीक ठाक है। Yeah.